देखिए ये रेडी हो चुका है, आलू प्याज की पूरी, कच्चे आलू और प्याज की पूरी। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। देखिए फुली फुली पूड़ियाँ बनी है ना, तो मैं बहुत दिन से देख रही थी यूट्यूब पे, लेकिन कभी बनाई नहीं। सोचा कि आज ट्राई कर ही लेती हूँ, आज मुझे सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये किस चीज़ की पूड़ी है समझ में आया? बहुत वायरल वीडियो चल रही है, ये कच्चे आलू और कच्चे प्याज की पूड़ी है। अगर आपके पास घर में सब्जी नहीं है तो बस 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है, और इतना यम्मी और टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, एकदम खास था। और आप इसको अचार के साथ, और ये तो मेरा मिर्चा का मिर्चा फेवरेट है एकदम। और ये देखिए कितना मस्त फुला पूड़ी बना है। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको, कैसे बनाया जाता है शुरू करते हैं। आलू प्याज की पूड़ी बनाता है मसालेदार। तो दो मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, एक प्याज लिया है, दो हरी मिर्च ली है, चार लहसुन की कलियाँ ली हैं, और मसाले में देखिए अजवाइन लिए हैं, लाल मिर्च लिए हैं, धनिया पाउडर लिए हैं, और जीरा और गोल मिर्च का पाउडर लिए हैं। और इसको धो के छिल के धो के काट लेंगे। धोने और छिलने के बाद सब एकदम अच्छे से ग्राइंड करेंगे, एकदम बारीक ग्राइंड करेंगे, एक भी दाना रहना नहीं चाहिए। और ये देखिए एकदम बारीक, एकदम एक भी लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी फूलेगी नहीं। हाँ, इसको पीसते समय ना थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना, पानी ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि प्याज में खुद ही पानी होता है। अब इसमें आटा डालेंगे, आटा उतना डालेंगे जितना बाइंड हो सके, और ये सारे मसाले डालेंगे, थोड़ा सा सूजी भी डालेंगे, मोटी सूजी डालेंगे, इसमें ग्राइंड करने का ज़रूरत नहीं है सूजी को। हाँ, और एक चीज़ जो टेस्ट को दोगुना कर देता है, तिल डालेंगे, वाइट तिल। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। हाँ, इसमें आपको धनिया पत्ता डालना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास नहीं है धनिया पत्ता, तो मैं स्किप कर रही हूँ। आपके पास धनिया पत्ता रहेगा तो ज़रूर डालिएगा, और इसको अच्छे से बाइंड कीजिएगा। एक चुटकी हल्दी भी डाल दीजिएगा, थोड़ी पीली पीली लगेगी देखने में, अच्छी लगेगी देखने में। और नमक स्वादानुसार तो डालना है, नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए एकदम आटा मिल चुका है, इसको थोड़ा सा तेल लगा के हाथ में और मिला लेंगे, और 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे उस ताकि सूजी फूल जाए, उसके बाद ही हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर छोड़ देने के बाद, ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मुलायम हो गया, और इधर इधर तेल भी गर्म हो रहा है। अब इसके छोटे छोटे लोइया बनाएंगे, और एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे तेल लगा के, इसमें कुछ भी ये नहीं बनाना है जब तक तेल में। देखिए एकदम हल्के हाथों से इसको बेलना है, छोटा छोटा 4-5 बेल के रख लेती हूँ। देखिए मैंने बेल के रखा है, बस ये देखिए दाल के साथ गरम गरम एकदम, मेरा मेहनत लग रहा रंग लाएगा, और एकदम फुली फुली पूड़ियाँ। आप इसको अचार के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, इसको सब्जी के साथ खाने का ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जी है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसको सब्जी के साथ खाने का कुछ नहीं है। सॉस, अचार, चटनी, मिर्ची का अचार, आम का अचार, ये देखिए क्या मस्त करारी ये पूड़ियाँ बनी हैं। ऐसे ही करके एक एक करके पूड़ियाँ चलते जाऊँगी। देखिए ये रेडी हो चुका है, आलू प्याज की पूड़ी, कच्चे आलू और प्याज की पूड़ी। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है।